से पहले आपके लिए छोटा सा फैमिली व्लॉग, यहाँ देख लीजिए हमारे पापा हमारे साथ मौजूद हैं। पापा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यहाँ पर हमारी मम्मी मौजूद हैं, बड़ा तोता भी अंदर सो रहा है और छोटा तोता हमारा ये रहा। पापा कुछ बोलना चाहेंगे? और देखिए मम्मी ने बड़े प्रेम से हमारे लिए बस में जर्नी के लिए खाना पीना सब मिष्ठान वगैरह सब तैयार करके दिया है। पापा रेडी? पापा आप चल रहे हो मेरे साथ 21 दिन टूर पर? चलोगे? चल रहे पापा? पापा नहीं बोलने वाले, आप समझ सकते हो यार, जब ये देखो आप समझ सकते हो जब बेटा घर से बाहर आ रहा है 21 दिन के लिए क्या करें, मम्मी काम है, कोई बात नहीं क्या करें, ठीक है अब यहाँ से रवानगी। बट आई विल मिस माय छोटा तोता, इसकी तोता, बड़ा तोता। छोटा तोता और बड़ा तोता, अब तक एक तोता था अब दो दो हो गए, ठीक है पापा। हमारी ऑडियंस को पापा डन तो बोल दो, पापा डन, ऑल द बेस्ट, हाँ ऑल द बेस्ट, ठीक है अब आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, चलिए। और एक बार फिर से आ गए बोरीवली ईस्ट। अगर टाइम विजिबल हो करंट 4:15, आप पीछे देख लीजिए वर्मा ट्रेवल्स का ऑफिस, और जो बस में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल बस है डीसी की। ना जाने कब से मेरी ये वाली बस मुंबई टू भोपाल पेंडिंग पड़ी थी, मेरी बस है लगभग 5 बजे की, तो फिलहाल यहाँ बस का इंतज़ार किया जा रहा है। और पिछले कुछ महीनों में बोरीवली ईस्ट तो ना जाने मैं कितनी बार आ चुका हूँ, बट जो जैसे मैंने आपसे कहा आज की जो लग्जरी बस है ना बिल्कुल अलग है। आप कंटेंट देखिएगा, बस देखिएगा और पूरा टूर वगैरह इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको इन डिटेल्स दिखाया जाएगा। और अगर आपको बस जर्नीज पसंद है ना, बोरीवली ईस्ट का ये वाला अड्डा बिल्कुल आपके लिए। हर 2 मिनट में यहाँ से एक बस क्रॉस होती है, वॉल्वो क्रॉस होती है, अशोक लेलैंड क्रॉस होती है, भारत बेंज की बस क्रॉस होती है, एसी नॉन एसी स्लीपर सीटर और ना जाने कौन कौन सी रूट्स की बस यहाँ से क्रॉस होती हैं। अभी वीआरएल की वॉल्वो गई, मैं अनफॉर्चुनेटली इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, मैं अभी और वेट कर रहा हूँ। अगर बाई एनी चांस कोई और वॉल्वो B11R आती है या कोई और टॉप लग्जरी बस आती है तो आपको वो दिखा पाऊँ। क्या धूप निकल रही है, कड़क एकदम मुंबई का वेदर, हल्का फुल्का ठंडा। और बस देखिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ आप पैसेंजर्स देखिए कितने सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं दिल्ली टू मुंबई की बस जर्नी कर रहा था तो मुझे ये वाली बस अगर आपको याद हो बीच में कहीं एक स्टॉप पर मिली थी, और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इस वाली बस का व्लॉग आपके सामने बहुत जल्द आएगा, और फाइनली आज वो टाइम आ चुका है। बस है वॉल्वो B11R, आउटर बॉडी अगर आप देखोगे ये है बाय DC, यानी कि दिलीप छावरिया जिसने डिज़ाइन किया है शाहरुख खान की वैनिटी वैन। और बस का आप आउटर बॉडी देखिए, क्या टॉप लग्जरियस बस ये लगती है। इस वाले व्लॉग को पूरा देखिए, इंटीरियर वगैरह सब कुछ अभी आपको दिखाया जाएगा, जर्नी की शुरुआत होने दीजिए। क्या ये बस लगती है मैं आपको बता नहीं सकता, पूरा आप अगर आप बॉडी देखोगे ना इसकी लाजवाब। मैं सो बस इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद लगेज को गाड़ी में लोड किया जा रहा है, एक बार लगेज लोड हो जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देखोगे वो है UP का, और हम जा रहे हैं मुंबई टू भोपाल, डिस्टेंस कुछ 800 किलोमीटर, टाइम लगेगा लगभग 15 से 17 घंटे। बट आप इसकी आउटर बॉडी देखिए, अब तक ना जाने कितनी वॉल्वो B11R की, बट ये वाली सबसे अलग है। जर्नी की हमारी शुरुआत हो चुकी है, मूविंग बस है तो थोड़ा सा इंटीरियर हम ध्यान से रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे आपको दिखाना है इस वॉल्वो B11R का डिज़ाइंड बाय DC कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो चलिए जल्दी से एक टूर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ बिकॉज इसकी क्या है आउटर बॉडी अलग है। तो देखिए ये जो अपर सीट है आपको विंडो कैसी मिलती है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी क्रूज में, देखिए यहाँ पर वही वाइब आती है जैसे आप किसी शिप में ट्रैवल कर रहे हो। ये देख लीजिएगा, दिस इज अपर 2x1 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। देखिए सेम यहाँ पर ये 2 का है और 1 का भी मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, इस तरफ आप देख सकते हो ये 1 का पूरा, इस तरफ ये देख लीजिएगा। और जो सीट
मेरे को मिली है। आपको पहले मैं पूरा इंटीरियर एक बार दिखा दूँ। डबल का ये देखिए, ये अपर बर्थ हो गई सिंगल, और ये है मेरी लोअर बर्थ। यहाँ पर जो मेरे को बर्थ मिली है वो है 17N। ये मैंने लोअर बर्थ चूज़ की है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, AC का फ्लैप वगैरह सब कुछ दिया गया है। चार्जिंग पॉइंट देख लीजिए, इस तरफ आपको TV भी दिया गया है। अभी जैसे इस जर्नी की शुरुआत होगी TV भी ऑन किया जाएगा। बट सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप देखोगे यहाँ पर पिलो भी आपको दिया गया। मैं सोच रहा था मे बी बिकॉज ऑफ कोविड शायद पिलो ना मिले, बट आप ये पूरा इंटीरियर देखिए, डबल में भी इन्होंने पिलो दे रखा है। सबसे अच्छी बात यह है, सब कुछ कॉस्ट में इंक्लूडेड है। मैं तो यही कहूँगा, इस DC का इंटीरियर भी लाजवाब। सीट्स वगैरह आप देखोगे, सो दिस इज़ डैम कम्फर्टेबल। कर्टेंस आपको दिए गए हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन वगैरह आप देख सकते हो। और वर्मा ट्रैवल्स के पास ये DC बस जो है अभी करंटली सिर्फ एक ही है। मैं सोच रहा था कोविड की वजह से ब्लैंकेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो साथ में मैं मैट्रेस भी कैरी कर रहा हूँ, बट लकीली यहाँ पर इन्होंने ब्लैंकेट दिया है। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इस बस की है 38 पैसेंजर्स राइट नाउ, बिकॉज मैंने सोर्स पॉइंट से बोर्ड किया है। तो फिलहाल तो पूरी बस में मैं अकेला हूँ। अब अलग अलग पॉइंट पर ये बस रुकेगी, अभी पूरी जर्नी देखते जाइएगा, इसके आगे टेक्निकल फीचर्स सब कुछ आपको बताए जाएंगे। और ये लोअर बर्थ, इसका तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही लोअर है। बिकॉज़ क्या है, आज जो डेट ऑफ जर्नी है ये महाराष्ट्र में छुट्टी है, आपको भी पता है उसका रीज़न, तो शायद रूट खाली मिले। अब देखते हैं अलग अलग जगह बस रुकेगी, पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब देखते हैं आगे कहाँ मेरी आपसे मुलाकात होती है। बट जर्नी देखिए यही है वॉल्वो का ना, यही है कंफर्ट देखिए। और आप मज़ा आता है वॉल्वो B11R में ट्रैवल करने में। जर्नी हमारी चल रही है बोरीवली से, चले अब हम, अभी हमें सिर्फ 1 घंटा हुआ है और हम पहुंचे हैं सायन। अगर आप देखोगे पीछे पैसेंजर्स यहां से फाइनली बोर्ड कर रहे हैं। अब तक मैं बस में अकेला था, लगेज लोड किया जा रहा है, और मैंने तो बिल्कुल अभी नोटिस किया है ऑन बोर्ड वॉशरूम भी है, कॉमन वॉशरूम फॉर बोथ जेंट्स एंड लेडीज़। सबसे अच्छी बात ये है, सोचिए अब वॉशरूम ऑन बोर्ड हो जाए तो सफ़र क्या है थोड़ा आसान हो जाता है, स्पेशली फॉर लेडीज़। तो अगर आप मुंबई टू भोपाल के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो बाय बस जर्नी, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा वर्मा ट्रैवल्स की ये वाली DC बस एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। पर आप इसका एक्सटीरियर देखिए, एक्सटीरियर्स की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। थोड़ा सफ़र को आगे बढ़ने दीजिए, फिर टेक्निकल फ़ीचर्स की बात करेंगे, ड्राइवर दादा से भी बात करेंगे, 2 ड्राइवर दादा इस बस में, उनसे भी बातचीत करेंगे। सायन पर आप ये व्यू देखिए, ऑरेंज टूर्स एंड ट्रेवल्स की ये खड़ी है स्कैनिया, ये जा रही है मुंबई टू हैदराबाद, सर्विस नंबर OTT 46। ये चली है शाम को 5 बजे बोरीवली से हैदराबाद, ये पहुंचेगी कल सुबह 8 या 9 बजे। एंड दिस इज़ AC सीटर। बट ऑरेंज टूर्स एंड ट्रेवल्स के पास वॉल्वो B11R स्कैनिया देख लीजिए भाई साहब। बस का तो मैं आपको बता नहीं सकता, जब रूट्स में मेरे को ऐसे बसेस देखने को मिलते हैं ना, इस तरफ हमारी B11R DC और इस तरफ ऑरेंज की आपको मिलेगी स्कैनिया, कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन प्लेट। लाजवाब देखो ऑरेंज की ये एक और आई, ये एक और आई, गेस ये कोई लोकल है, ये कोई लोकल है। बट यार ऑरेंज के पास आप कलेक्शन देखिए बसेस का क्या है, लाजवाब। करंटली ऑन बोर्ड कुछ 10 पैसेंजर्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑफिशियल ब्रेक है डिनर वाला, वो आएगा कुछ 9:30 के आसपास। मेरे को लगी है तगड़ी भूख, और डिनर तो आज का मैं घर से ही लाया हूँ, मम्मी के हाथ की पूरी प्लस पनीर की सब्ज़ी और उसके साथ नमकीन। सफ़र में घर का खाना मिल जाए बस भाई साहब, और क्या चाहिए, आराम से फर्स्ट क्लास AC चल रहा है। मैं सोचा था TV ऑन कर देंगे, थोड़ा पिक्चर देख लेंगे, मूवी देख लेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, TV यहाँ पर चालू कर नहीं रखा। तो करंटली और कुछ करने के लिए इस वॉल्वो में है नहीं, बस सफ़रनामा चल रहा है, मोबाइल पर गाने सुनिए, पिक्चर देखिए, जो करना चाहें, और डिनर एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात जहाँ हम ब्रेक लेंगे, देखते हैं कहाँ ब्रेक लेते हैं,
वहाँ मेरी आपसे मुलाकात होगी। कुछ 100 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं खरड़ी, जो आता है महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में। आप पीछे बस देख सकते हो। अब हमने लिया है ऑफिशियल डिनर ब्रेक, बिकॉज डिनर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहां हमारी चल रही है कॉफ़ी। रेस्टोरेंट का नाम है होटल पैराडाइज, और मैं तो अब ये कह सकता हूं कि बस लगभग अब हमारी फुल जा रही है। अगर इस तरफ आप देखोगे जो मेन रोड है, दिस इज़ मुंबई आगरा नेशनल हाईवे। कुछ टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको इस बस की बता दूं, बिकॉज वॉल्वो B11R है, तो इसमें आपको मिलेगा रेयर इंजन, प्लस जो टैंक फ्यूल कैपेसिटी है, डीजल कैपेसिटी, वो है कुछ 600 लीटर्स, बट टंकियाँ भी फुल नहीं है। उस्ताद जी बता रहे थे शायद नासिक में कहीं ना कहीं इसमें डीजल डाला जाएगा। अगर आप इसकी लेंथ देखोगे ना, टोटल लेंथ आप देखोगे, आप मान के चलिए कुछ 14 मीटर, 14 या 14.5 मीटर्स आप इसका मान के चलो। क्या जर्नी चल रही है वॉल्वो का, तो आप बिल्कुल भी पूछिए मत। और अगर आप मुंबई टू भोपाल वाली जर्नी प्लान कर रहे हो, अगर आप ये वाली बस एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्लीज़ बुकिंग से पहले चेक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कभी DC की बस आती है, तो कभी वॉल्वो आती है, कभी स्कैनिया आती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। उस्ताद जी ज़रा डिनर वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी मुझे उनसे बातचीत ज़रूर करनी है। सोचिए वो 5 बजे चले हैं और कंटिन्यूसली ही हैज़ बिन ड्राइविंग। पर आप यहाँ का वेदर देखिए, रात में खड़े होके भाई साहब मज़ा आ जाता है बिल्कुल। हमारे साथ अब उस्ताद जी मौजूद हैं, जो बोरीवली से चले हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने ही ड्राइव किया है और आगे भी यही ड्राइव करने वाले हैं। उस्ताद जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वॉल्वो B11R आप कितने साल से ड्राइव कर रहे हो? मुझे होगा लगभग 10 से 12 साल। अच्छा, और आप मुंबई टू भोपाल के बीच ही चलाते हो या अलग शहर? या नहीं, मुंबई टू भोपाल एंड मुंबई टू पुणे। मुंबई टू पुणे आपने ड्राइव किया? कभी कभी पुणे जाते हैं, परमानेंट वैसे मुंबई। मुंबई टू भोपाल आप करते हो? जी। अच्छा, और वॉल्वो B11R जी बस होती है, बट इसका आउटर बॉडी जो वर्मा ट्रेवल्स की है, इसकी बॉडी है DC जी। तो बाकी बस में और इस बस में उस्ताद जी मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि इसका एयर सस्पेंशन जो है बहुत अच्छा है, और जो जर्क होता है गाड़ी के अंदर वो चीज़ नहीं है, रफ्तार अच्छी है, बाकी लुक अच्छा है। अच्छा, और मुंबई टू भोपाल के बीच अगर वन वे बात करें, लगभग कितना डीजल ये कंज्यूम करती है ये वाली DC की बस? ये अंदाजे से 625 से 650 के समथिंग। अच्छा, अप एंड डाउन आप कह रहे हो शायद? जी, अप एंड डाउन दोनों में जी। सो थैंक यू सो मच उस्ताद जी। अब आप सोचिए ये चले हैं लगभग 4-4.5 आप मान के चलिए जी, और आप सुबह कितने बजे तक ड्राइव करने वाले हो? सुबह 4 बजे तक। सोचिए सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूसली ये ड्राइव करेंगे और फिर दूसरे ड्राइवर ज़्यादा चेंज होंगे जी। थैंक यू सो मच दादा, इनके लिए एक लाइक बनता है। उस्ताद जी थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। यहाँ का तो आप वेदर देखिए, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, पूछिए मत। अब दो कॉस्टिंग आपको बतानी ज़रूरी है। सबसे पहले वर्मा ट्रेवल्स की जो ये वॉल्वो B11R आउटर बॉडी बाय DC, इसकी टोटल ऑन रोड कॉस्ट क्या पड़ेगी? अंदाजे से अगर मैं आपको बताऊँ, सब इंटीरियर मिला मिलू के 1.5 CR to 2 CR आप मान के चलिए ऑन रोड। और जैसा मैंने आपको बताया, करंटली वर्मा ट्रेवल्स के पास सिर्फ एक ही बस है, और अगर आप मुंबई टू भोपाल के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो जो कॉस्टिंग मैंने पे की है साइड लोअर की, वो है कुछ अराउंड 1,700 रुपीज़। तो अगर आप फैमिली के साथ ये वाली ट्रिप प्लान कर रहे हो, मैं तो आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर आप #TravelRealIndia देखना चाहते हो ना, तो या तो बस जर्नीज़ कीजिए या ट्रेन जर्नीज़ कीजिए। और ये तो महज फैंटास्टिक फरवरी की शुरुआत है, अभी तो देखते जाइएगा, आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे। एक बार फिर से हमारी बस चल पड़ी है, और अगर आप देखोगे अब हम क्रॉस कर रहे हैं कसारा घाट, बिकॉज बाहर इतना अंधेरा है तो बाहर का तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता। और साइड लोअर बर्थ का मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, कर्टेंस लगा लीजिए और आपको यहाँ जो प्रिवेसी मिलती है ना भाई, देखो मुझे बड़ा मज़ा आता है बस जर्नीज़ में। आप बताइए कमेंट करके, अगर आपको चॉइस दी जाए मुंबई टू भोपाल, आप बस से ट्रैवल करना पसंद करोगे या ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करोगे, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब देखते हैं डीजल के लिए हमारी बस को कहाँ रोका जाएगा, मुझे वो भी आपको दिखाना है। बस आपको व्लॉग्स में मिलते हैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि नाशिक मध्ये तुमचा हार्दिक स्वागत आहे। रात को 11:30 बजे पेट्रोल पंप पे हमारी व्लॉगिंग चल रही है। वाह, एक और ऑफिशियल ब्रेक। अब जैसा आप पीछे देख सकते हो गाड़ी में डाला जा रहा है डीजल। कुछ 150 डलवाने वाले थे बट आई गेस बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम अभी करंटली सिर्फ 100 लीटर ही डीजल डाला जा रहा है। कॉस्टिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो करंटली डीजल का क्या रेट है, बाकी सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। महाराष्ट्र की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी आफ्टर मुंबई, पुणे, नागपुर नंबर आता है नासिक का। और अगर आपको याद हो 2 महीने पहले मैं नासिक आया था, किससे आया था? थ्रू रामायण एक्सप्रेस। और ये देख लीजिए बस में डीजल डाला जा रहा है। बस पूरी तरह से पैसेंजर, अब पूरी तरह से हमारी बस फुल चल रही है। ये रहे हमारे उस्ताद जी। अब यहाँ से वापस बस जाएगी नॉनस्टॉप नासिक से भोपाल। आप मान लीजिए उस्ताद जी कितना, 600 किलोमीटर से कुछ लगभग 600 किलोमीटर और। और उस्ताद जी आप क्या ड्राइव करते कहना पड़ेगा। और बिकॉज क्या हमारी जो वॉल्वो है वो इतनी लंबी है, लगभग 14 मीटर की, 14। तो यदि आपको हाईवे पर गाड़ी काटनी है तो 14 मीटर का गैप चाहिए दो व्हीकल के बीच। उस्ताद जी आप क्या ड्राइव करते हो कहना पड़ेगा। शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आप इस वाली डीसी में ट्रैवल कर रहे हो उस्ताद जी से एक बार मिलिएगा जरूर। थैंक यू सो मच उस्ताद जी। एक बार फिर से बैठेंगे और चलने के लिए तैयार। भैया डीजल को कितना टाइम और? सिर्फ 100 लीटर डाला जा रहा है। जर्नी में मज़ा आ रहा है। आप अगर आप मुझसे पूछ रहे हो रात को तो व्लॉगिंग में जो मेरे को मज़ा आता है, सोचिए हम चले थे 5 बजे, रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी भी हम महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। भाई यही तो है जर्नी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ट्रैवल करते रहिए बिकॉज हर जर्नी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। वन हमारा यही एंड होता है और आप देखिए वॉल्वो बस क्या मक्खन की तरह दौड़ रही है। अब थोड़ा सा आराम करेंगे, आप देखते हैं आगे ड्राइवर दादा कहाँ चेंज होते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी अच्छे से दिखा पाऊँ। बस जर्नीज का यही है, यहाँ तो जो सुकून है कर्टेंस लगा लीजिए और क्या सफ़र में मज़ा आता है मैं आपको बता नहीं सकता। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं एक बस जर्नी कर रहा हूँ बट अब आपसे कमिटमेंट है आपके सामने बैक टू बैक बस जर्नीज भी आती रहेंगी, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ सब पैसेंजर्स लगभग सो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ मेरी आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है। गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चेहरे की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, बिल्कुल अभी सो के उठाऊँ। सुबह के बज रहे हैं 3:30। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी बस के अब ड्राइवर दादा चेंज हो रहे हैं। हम पहुँचे हैं, मैं आपको बता दूँ, जुलवानिया, और अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश। आप ये जो रोड देख रहे हो दिस इज़ NH 52। और उस्ताद जी की वहाँ पर चाय चल रही है। उस्ताद जी सब ठीक है? अब इतना एक बार मेरे को तो कोशिश करने दीजिए। ये देखो अब तक ये वाले दादा ड्राइव कर रहे थे, अब यहाँ पर ड्राइवर दादा चेंज हो रहा है। ठीक है दादा, बिल्कुल रेडी? दादा फ्रेश हो रहे हैं, मुंह पे पानी मार रहे हैं, इनकी चाय चल रही है। अब दादा अब आप सो जाओगे हैं, अब आप आराम करोगे। लाइक जैसे मैंने आपको बताया 5 बजे से ड्राइव कर रहे हैं, अब दादा आराम करेंगे। अंदर सब पैसेंजर सो रहे हैं। 3:30 बजे सुबह, आप देखो पीछे हल्की फुल्की ठंड है, यहाँ मैं कहूँगा हल्की फुल्की ठंड है। लोग हाथ सेक रहे हैं, यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह चल रही है। और देखिए नाम से कहता हूँ ना, यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम। बस ड्राइवर दादा चेंज होंगे, अब मैं वापस अंदर जा रहा हूँ। बाहर का तो देखो बिल्कुल अंधेरा है, ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। अब देखते हैं मेरी आपसे यहाँ से एक बार फिर से सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ से इंदौर आप कुछ मान लीजिए कुछ 150 किलोमीटर्स का कुछ डिस्टेंस है, और फिर वहाँ से हम जाएंगे भोपाल। आई गेस वी आर ऑल सेट। देखिए यार आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। और बाय एनी चांस अगर आप ये वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देख रहे हो, आइए एक्सप्लोर कीजिए। तो बस मैंने आपसे कहा ना जितना अपना देश हम देखेंगे ना उतना कम है। Oh,
वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, और इंडिया के एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जगह अब हम पहुंचे हैं आष्टा, और यहाँ सुबह सुबह चल रही है अब कड़क कॉफी। और जब आप इंदौर क्रॉस कर रहे हो, मध्य प्रदेश में हो, और आप पोहा टेस्ट ना करें तो भाई साहब फिर कैसे। ये हो गया आप कह लीजिए इंदौरी पोहा, लाजवाब विद नमकीन विद मसाला। इस तरफ आपको बता दूँ, अब जो मेन रोड आप देख रहे हो ये हो गया हमारा स्टेट हाईवे 28। दादा ने बस स्पेशली मेरे लिए रोकी है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बात करने का, बट भाई क्या पोहा है यार, क्या पोहा है। और पोहा तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट। अब यहाँ से भोपाल हमको कुछ टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटा और देखते। आप सोचिए स्टेट हाईवे के किनारे ऐसी धूप निकल रही है, और ये देखिए मैं आपसे कहता हूँ ना, यही तो है जर्नीस, इसलिए मेरे को जर्नीस पसंद है। कभी मैं स्टेशन पर कॉफ़ी हाथ में होती है, कभी स्टेट हाईवे पर कॉफ़ी मेरे हाथ में होती है, भाई साहब मज़ा आ जाता है ट्रैवलिंग करके। पीछे बस देख लीजिए, दादा बैठे हैं, कॉफ़ी चल रही है उस्ताद जी की, गरम गरम जली हुई है पार्सल करवा रहे दादा। देखते हैं आगे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, बट एक बार फिर से आ गए मध्य प्रदेश। वोल्वो B11R की जर्नी हो और आपको केबिन राइड नहीं दिखाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले बस की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 75 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जितनी वोल्वो B11R है और इसमें DC वाली में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये देखिए ड्राइवर दादा के लिए बिल्कुल अलग से केबिन बनाया गया, ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। और ऑन बोर्ड जैसा मैंने आपसे कहा वॉशरूम भी है, तो बस जाती है पूरी तरह से नॉन स्टॉप। यहाँ से दादा लगभग भोपाल अभी कितना किलोमीटर और अंदाजे से? 70 किलोमीटर। और टाइम करीब कितना लगेगा? 1.5 घंटा और मान लीजिए। और अभी भी हम चल रहे हैं SH यानी कि स्टेट हाईवे 28 पर, और मध्य प्रदेश आके तो ऐसा लगता है, आप देखते जाइएगा आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे। थैंक यू सो मच दादा। उस्ताद जी बैठे थे करीब 3:30 बजे जो मैंने आपको दिखाया था सीट पर, एंड ही हैज़ बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली। बट अभी देखिए केबिन देखिए आप इसका, तो जैसे मैंने आपसे कहा आउटर बॉडी है DC की, तो कितनी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। एक और वॉल्वो B11R की बस जर्नी मेरी होती है ख़त्म। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। कल 5 बजे हमने शुरुआत की थी, नाउ इट इज़ 8:45, और मैं तो कहूँगा बिल्कुल राइट टाइम मैं भोपाल पहुँचा। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ होटल, वहाँ से कहीं और, और जैसा मैंने आपसे कहा आपके सामने बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोस आते रहेंगे। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और मेरे साथ अब सोलो ट्रैवल करते रहिए। यस, आपके सामने अब सोलो ट्रैवल वीडियोस आएंगी, ठीक है ना। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़ में भाई साहब मज़ा आ जाता है। अब आपके सामने ट्रेन जर्नीज आएंगी, बस जर्नीज, फ्लाइट व्लॉग्स, देखते जाइएगा सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। टाटा, टेक केयर।